नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अनुदेशक शिक्षा मित्रों की आवाज उठाना, रोज आपसे बात करना, रोज आपके लिए एक मुखर बातचीत का पूरा सिस्टम तैयार करना, उस दिन की हुई तीखी डिबेट के चलते मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ी है और मुझे अनायास 7 दिन के लिए ब्लॉक किया गया है यूट्यूब पर। आज 2 दिन हो गए हैं, 5 दिन और हैं। सैटरडे संडे हम प्रोग्राम करते नहीं हैं, 3 दिन और हमारे साथ आपको फेसबुक पर समय देना पड़ेगा और बृहस्पतिवार से फिर हम आपके साथ होंगे यूट्यूब पर। तब तक बस आप लोगों से बस यही समर्थन चाहते हैं कि YouTube पर जाते रहिए और वीडियो देखते रहिए ताकि व्यूज जो बन रहे थे वो कम ना हो जाए और YouTube को ये ना लगे कि हम कोई स्पैम काम करते हैं। हम पर ये आरोप मढ़ा गया है कि हम कोई स्पैम काम करते हैं, जबकि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से संबंधित ही वीडियो होते हैं। चलिए, आपकी आवाज़ उठाना मुझे इतना महंगा पड़ेगा मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं फिर भी आवाज़ उठाना बंद नहीं करूंगा। और जिस तरीके से आप हज़ारों की तादाद में जो साथ दे रहे थे, आज फेसबुक पर शेयर करके फेसबुक पर हमारे साथ जुड़िए और सुनिए वो गंभीर चर्चा जिसका इंतजार आप करते हैं शाम होते ही। आज नहीं कल, आज नहीं कल मेरी बात सुनी जाएगी और आज नहीं कल आपके खाते में वो 20,000 से लेकर 25,000 रुपये की धनराशि भी मुक्त की जाएगी। वेट करिए, इंतजार करिए, मुझे उम्मीद है। किसी का विरोध तब होता है जब उस विरोध से लगता है लोगों को मेरा कुछ सिस्टम गड़बड़ा रहा है। और जितना बस आप सपोर्ट, सुनील कुमार जी जल्दी खुलेगा, आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से बस जमे रहिए मैदान में और यूट्यूब पर बार बार जाइए और वीडियो देखते रहिए और कमेंट भी करिए क्यों ब्लॉक किया गया। जल्दी बातचीत हमारी भी चल रही है, हमने उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए हैं। मैं सब बात है वो यहाँ लाइव में नहीं कह सकता हूँ क्यों ब्लॉक हुआ, किस कारण हुआ और जिस चीज को लेके ब्लॉक हुआ उस पर किसी का वीडियो ब्लॉक नहीं होता है। चलिए, आज मुद्दा बड़ा अहम है ईपीएफ को लेकर और उसको लेकर एक बड़ी बात, बड़ी जानकारी लेकर हमारे साथ शिक्षा मित्र त्रिभुवन सिंह पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह जी रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अश्विनी मिश्रा रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुनील कौशिक जी, आदरणीय सुरेंद्र सर रहेंगे और एक अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह रहेंगे। एक अच्छे वातावरण को तैयार करके इस सब पर बातचीत होगी। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो कई समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं से निपटना, उन समस्याओं से भिड़ना मेरे रग रग में शामिल है। मैं और उस हर समस्या का समाधान करने के लिए आतुर रहता हूं जो समस्या बने। चिंता न करिए, जीतेंगे और ये लड़ाई 2 लाख परिवारों की है, 75,000 उन ग्राम प्रहरियों की है, 5,000 उन असिस्टेंट प्रोफेसर की है, 70,000 उन बिजली कर्मियों की है। कुल मिला के यह आंकड़ा लगभग 8 लाख लोगों का है और 7.5 लाख लोगों को 9,000 मिल जाए और ये 8 लाख लोग 9,000 और 8,000 में पेट भरे, ऐसा तो नहीं होगा, ये नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होगा किसी भी कीमत पर। आज लड़ाई 7.5-7 की फंस गई है, दमदार बेड़ा पार, या तो इस पार या बेटा उस पार, लड़ाई बराबर की है, कुश्ती बराबर छूटेगी। 7.5-7 लाख हम भी इधर इकट्ठे कर देंगे, जो 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 2,500 इतना वेतन पाते हैं, आप एक नई जमात खड़ी कर देते हैं। पिछली जमात भूख से मरी जा रही है, नई जमात को दावत दे देते हैं। और ये खेल नया नहीं है, इससे पहले भी सरकारें यही खेलती आई हैं।
गरीब के घर की रोटी नहीं देना चाहते हो, गरीब को उसका चूल्हा गर्म नहीं होने देना चाहते हो, वो चाहते हो कि वो गरीब बना रहे ताकि वो हमारी तरफ उस भिखारी की दृष्टि में दोनों हाथ फैलाए देखता रहे कि कब मिलेगा मुझे हुजूर से भोजन। ये तो राजा महाराजाओं के दौर से भी बुरे दौर आ रहे हैं। कहा जा रहा है हम देने आए हैं, कितनी चीजें हैं इस समाज में। मैं तो हैरान रह गया जब त्रिभुवन सिंह ने कहा कि कई हजार करोड़ रुपया सरकार का सीज है। अरे भैया सीज है तो उसे एडजस्ट कर दीजिए, ये लोग जो मौत के मुंह में समाए जा रहे हैं अनुदेशक शिक्षा मित्र रोज मर जाते हैं शिक्षा मित्र, इनके परिवार को 5-7 लाख रुपया रिलीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इनका परिवार बच जाएगा, इनके वो मासूम बच्चे बिलखते दिलखते बच जाएंगे। हमारे साथ इस सब पर बातचीत करने के लिए आदरणीय सुनील कौशिक जी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्योति सिंह साहब, हम उनका भी स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक निदेशक के तौर पर अश्विनी मिश्रा जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, उनका भी स्वागत करते हैं, और त्रिभुवन सिंह का भी हम स्वागत करते हैं। और सीधा सवाल पहला मेरा त्रिभुवन सिंह से, त्रिभुवन सिंह कई पेपर लेके बैठे हैं और मेरे पास भी पेपर हैं। त्रिभुवन सिंह ये ईपीएफ का खेल, इससे पहले बिजली विभाग के साथ उत्तर प्रदेश सरकार खेल चुकी है जिसमें कई लोग जेल जाने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन कहां पहुंचा मुकदमा पता नहीं है, उसमें कई सेक्रेटरी भी कब्जे में आए हुए थे जी, और वो बात कहां तक पहुंची पता नहीं लगा जी। आज अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से पिछले 2013 से, जो मैंने आज पेपर कलेक्ट किए, 2013 से चर्चा चल रही है कि ईपीएफ कटेगा जी, और अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि होगा क्या, इन्हें कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। वो कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे, और आप ही वोटर हो ये आपसे भी ले लेते हैं, ये अंधे रेवड़ी अपनी जेब में रख लेते हैं, ये अंधे वो नहीं है रेवड़ी दूसरे को देते, ये रेवड़ी तो अपने पास रखते हैं, तुम्हें तो वो चूरा झार झूर के तैयार रखते हैं थैले में, वो कभी कभी यूं उतरा देते हैं कि ले लीजिए थोड़ा बहुत। तो क्या ईपीएफ पर कोर्ट केस जो आपके चल रहे हैं उनका क्या मैटर है, कितने कोर्ट केस है ईपीएफ को लेकर? आदरणीय मिश्रा जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने पुनः इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया, और मैं समझता हूं कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से आए दिन मौतें हो रही हैं अनुदेशक और शिक्षा मित्र में, मिश्रा जी मैं आपको बता दूं कि कल से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में 4 शिक्षा मित्रों की मौतें हो चुकी हैं, और इस महीने अगर बात करें तो लगभग 1 दर्जन का आंकड़ा छूने वाला है, और पिछले महीने 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई। तो कारण यह है कि इस प्रकार जो मौतें हो रही हैं, जो गवर्नमेंट ने खुद नियम बनाए हैं, मैं आपको बता दूं कि इम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 1952 ईपीएफ, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ने में जितने भी संविदा कर्मी थे 15,000 से नीचे था, सभी को इसमें रखने का काम किया, सभी को। उसके बाद जब यहां पर कार्रवाई शुरू हुई, त्रिभुवन सिंह से कुछ हमारी टेक्निक इशू आ रहा है, कुछ तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, और मैं प्रयास करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े जी। त्रिभुवन सिंह के हक में फैसला भी दिया, उसका ऑर्डर भी आया, ऑर्डर आने पर मैं आपको बताऊं लगभग 8.5 करोड़ की रकम सीज की गई, और जिसको लेकर के सरकार तत्काल इलाहाबाद गई, और इलाहाबाद में उनकी एक ना चली, और जब एक ना चली तो इलाहाबाद से सरकार फिर आई लखनऊ, और लखनऊ आने पर उन्होंने फिर एक मुकदमा दाखिल किया लखनऊ बेंच में, और जब लखनऊ बेंच में मुकदमा दाखिल किया तो वो मुकदमा भी हम जीत गए आदरणीय, वो मुकदमा भी हम जीत गए। इसके बाद
मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बताता हूं। राज्य सरकार इस मामले में सर्वप्रथम सीजीआईटी गई, सीजीआईटी फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ले जाया गया, जहां पर रिट याचिका संख्या 34497/2019 में 31 अक्टूबर 2019 को निम्न आदेश पारित हुआ। हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट ऑफ द केस एंड पर्टिकुलर दैट द स्टेचुरी अपील चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिटरमाइन डेटेड 14/10/2019 इज स्टेटेड टू हैव बीन द प्रिफर्ड अलोंग विद एन एप्लीकेशन फॉर स्टे एंड वेवर टू प्री डिपॉजिट एंड द अपील अथॉरिटी इज प्रेजेंटली नॉट अवेलेबल, इंटरेस्ट टू बी जस्टिस वुड बी सब्जर्व्ड इन द रिस्पोंडेंट नंबर टू एंड अदर अथॉरिटीज। कुल मिलाकर ये जब वहां से हारे तो लखनऊ गए और लखनऊ में ईपीएफओ कमिश्नर साहब ने 2019 में शिक्षा मित्र के पक्ष में फैसला दिया और लखनऊ तकनीकी कारण से लगातार त्रिभुवन से हमारा संपर्क गड़बड़ा रहा है और जल्द हम फिर उनके साथ आएंगे, उनसे बात। ऑफ जी माइंड सलभ दुबे, त्रिभुवन सिंह दोबारा जुड़िए एक बार फिर, तब तक मैं एक दूसरा सवाल ले लूं उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। त्रिभुवन सिंह जी, इस मामले पर मैं थोड़ा सा विक्रम सिंह को भी सुन लूं क्योंकि विक्रम सिंह का भी यह मामला है। विक्रम सिंह, ईपीएफ एक बहुत बड़ी योजना है। सर बहुत सर जी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आवाज, आप दोबारा जुड़िए तब आएगी, दोबारा जुड़िए तब फिर मैं दोबारा सवाल करूंगा आपसे थोड़ी देर में। सर ईपीएफ एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बढ़िया योजना है। इसमें आपके वेतन का कुछ पैसा उस एम्प्लॉय से काटा जाता है, उतना ही पैसा सरकार के द्वारा जमा किया जाता है और एक वंश तैयार हो जाता है। आने वाले समय में ये हम लोग जीपीएफ इसे ईपीएफ के जरिए से फाइनेंस करा सकते हैं। 75% पैसा कभी भी आप इससे लोन पर ले सकते हैं। इकाई अगर आपकी मृत्यु होती है तो इस मामले में सरकार आपको 7 लाख रुपया उस मृत व्यक्ति के, मृत एम्प्लॉय के परिजन को देती है। तो कम से कम जो रोज लगातार शिक्षा मित्र निर्देशक की मौतें होती नहीं तो परिवार तो बचे रहती। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और आपने काफी एक ज्वलनशील और संवेदनशील मुद्दे को उठाया है सर। 2013 में सर हम लोग की नियुक्ति होती है। एक्ट अपीयर्स टू द रिस्पोंडेंट एस्टेब्लिश। अभी आ रहा हूँ त्रिभुवन आपके पास। त्रिभुवन जी रुकिए, दो मिनट रुकिए तब फिर मैं आऊंगा अभी आपके। जी विक्रम सिंह, तो सर जब 2013 में जब नियुक्ति होती है तो हम लोग ईपीएफ को लेकर लगातार अपनी मांगों को रखना प्रारंभ करते हैं और जब सरकार जगती कब है, 24 अगस्त 2020 को एक आदेश पारित करती है कि 1 अप्रैल 2019 से इन संविदा कर्मियों का, मतलब अनुदेशकों का और शिक्षा मित्रों का ईपीएफ काटा जाए, जिसमें आदेश करती है कि 12% उस कर्मचारी का कटेगा, मतलब अनुदेशक शिक्षा मित्र या संविदा कर्मचारी कटेगा और 12% सरकार देगी। ये परियोजना से लखनऊ से आदेश तो सभी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में आ जाते हैं, लेकिन आदेश आते हैं चूंकि वो आदेश संविदा कर्मियों के पक्ष में रहता है इसीलिए सरकार की घिघी बच जाती है। उत्तर प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम लोग लगातार उस पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं और दबाव बनाने का फल ये होता है कि 27 मई 2021 को फिर दूसरा आदेश जारी हो जाता है कि इनका ईपीएफ काटा जाए, लेकिन सिर्फ आदेश पे आदेश जारी होता है और चूंकि ये आदेश संविदा कर्मियों के पक्ष में है, अनुदेशकों के पक्ष में है, शिक्षा मित्रों के पक्ष में है और अब ये तो हमारी विडंबना है सर। आप देखिए जब कोई आदेश हमारे पक्ष में आता है तो सरकार को निर्णय लेने में समस्या आ जाती है और जब कोई आदेश हमारे विपक्ष में आता है तो सरकार बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। उत्तर प्रदेश, भारत सरकार विश्व की मीडिया को बुला लेती है और कहती है आइए और देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट का या सरकार के आदेश का किस प्रकार से पालन करती है। लेकिन जब कोई फैसला हमारे पक्ष में आता है तो सरकार का एक बयान नहीं आता है। तो आप लगातार देख रहे हैं, हालांकि दो दो बार आदेश जारी होने के बाद भी हमारा ईपीएफ नहीं काटा जाता है। हम लोग इसको लेकर लगातार मांग करते हैं
जबकि यदि ये काटा जाता तो जब 62 साल में हम रिटायर होते तो हमारे खाते में काफी कुछ पैसा जमा होता, और हमारे जो हजारों हजारों साथी जो अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है, यदि वो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती तो उसको 7 लाख रुपया, जो कि पहले 6 लाख रुपया मिलता था, लेकिन कोरोना के समय में वो रुपया 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया गया। तो चूंकि हमारे पक्ष में फैसला है, हमारे अधिकार की बात है, हमको कुछ मिल जाएगा, इसीलिए सरकार को समस्या आ जाती है, सरकार उस पर कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं होती है। तो लगातार इसको लेकर हम लोग का प्रदर्शन तो जारी है, लेकिन सरकार किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जहां सरकार स्वयं जाती है, जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार स्वयं जाती है, वहां से भी आदेश पारित होता है कि इनका 17,000 दीजिए, उसके लिए भी सरकार नहीं देने को तैयार है। तो लगातार हमारे हित का कोई भी फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार सर लेने को तैयार नहीं है, और हम एक एक अनुदेशक, एक एक शिक्षा मित्र तिल तिल कर आज मरने को मजबूर है। हमारा तो पूरा जिंदगी, हमारी तो युवा, पूरी युवा लाइफ, हमारी तो पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्बाद कर डाली। 10 वर्षों से हमारा हम इस विभाग को दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमको क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है सर, 300 रुपया प्रतिदिन की दिहाड़ी दे रही है। हमसे तो अच्छे वो जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो मजदूर है जिनको 400-500 रुपया प्रतिदिन मिलता है, वो भी महीने में 12,000-15,000 ले जाता है। उत्तर भारत की सरकार खुद तय करती है कि 24,000 इनको न्यूनतम दो, वो भी सरकार देने को तैयार नहीं है। तो आप खुद नियम बनाते हो, कल पूरा भारत देश संविधान लागू होने की खुशी मना रहा था, लेकिन कैसा संविधान जब इस देश में संविधान का कोई पालन करने वाला नहीं है। अपने बनाए हुए नियम को ही जब आप पालन नहीं करोगे तो किस प्रकार का संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं, किस प्रकार का गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, यह एक सवाल है सर। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, उनको भी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं डॉक्टर कौशिक जी के पास, कौशिक जी ये एक योजना है कि ईपीएफ, ईपीएफ में अगर 7,000 वेतन मान पर लागू होता तो 12% से 840 रुपया महीना अधीक्षक के खाते से कटता, शिक्षा मित्र के खाते से तत्कालीन वेतन मान से लगभग 10,000 मान के चलोगे तो 1,200 रुपया कटता, इतना ही सरकार देती तो शायद इनके आंसू पूछ जाते रहते। बीच में शिक्षा मित्र का वेतन 40,000 भी हुआ और वो मिला कुछ दिन, तो अगर 12% दोनों जमा करते तो एक लंबी रकम हो जाती। आज लोगों की मौत हो रही है तो ये एक दूसरे के ऊपर वजन नहीं होते, चंदा करते हैं शिक्षा मित्र तो बहुत बड़ी संख्या में चंदा करके 2-4-5 लाख रुपए एक दूसरे को। आदरणीय मिश्रा जी इसमें एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को आजीवन पेंशन है, उसकी पत्नी को आजीवन पेंशन है, और बच्चे को 25 साल तक अलग पेंशन है, मिनिमम 1,000 मैक्सिमम 7,500। और ये जो 8,000 जो परिवार लोग मरे हैं उनके पीछे कितने लोग हैं, और ये जो 4 मौतें हुई है पिछले 2 दिनों में, इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखिए, आज गाय मर जाए, जानवर मर जाए, कोई मर जाए, उसके लिए सरकार इतनी संवेदनशील है, पशुओं के लिए संवेदनशील है। आप देखिए कि ग्राम पंचायत में प्रधानों के लिए मानदेय है, अध्यक्षों के लिए मानदेय है, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मानदेय है, और उनके उनके सुनिए, उनके मरने के लिए, उनके मरने पर, आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख 10 लाख रुपए सरकार कंपनसेशन देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी शिक्षा मित्र अनुदेशक के मरने पर भी 5 रुपए का कोई कंपनसेशन नहीं है। ये कहां का न्याय है? हम ईपीएफ मांग रहे हैं, ईपीएफ क्यों नहीं दिया जा रहा है हमें? आप देखिए, मेरे पास सैकड़ों पत्र हैं ईएसआईसी के, और अग्रवंशी पूरी बात सुनूंगा मैं आपकी, नहीं तो कौशिक जी अभी हमें फिर डांट देंगे, पहले इनकी बात सुनी जाए, ये इनकी पीड़ा है, मैं बिल्कुल आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। कौशिक जी पीड़ा आप देख रहे हो, रोक नहीं खा रहे हैं दोनों आदमी, ना अनुदेशक और ना शिक्षा मित्र, क्योंकि जवाब नहीं है किसी के पास। पहले तो मिश्रा जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शिक्षा मित्रों का या अनुदेशकों का ईपीएफ कटना शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए, उन्होंने काम ही नहीं किया इस पर कभी, और ये कोर्ट जाते रहे, आदेश लगातार इनके पास, प्रत्येक वर्ष का आदेश इन्होंने कॉपी मुझे भेज रखी है, लेकिन कटा 1 रुपया नहीं।
ये कह रहे मुझे उस दायरे में लाओ, इंटीग्रेटर में से काट लो। आदरणीय कौशिक जी, थोड़ा सा मैं आपसे बात से रूबरू होऊंगा। ईपीएफ काटने का जो प्रावधान है, जो सिस्टम है, तरीका है, वो ईपीएफ एक डिपार्टमेंट है, उनका खुद का नियम है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। वो ईपीएफ तय करता है कि हमें जिले में किसका ईपीएफ काटना है, किसका नहीं काटना है। जितने भी फैक्ट्रियल है, जितने वर्कर्स है वहां पर काम करने वाले हैं, जो उनका नियम है, उस नियम में संविदा कर्मचारी भी आता है। लेकिन जब ईपीएफ ने हमारे पक्ष में ऑर्डर दिया कि नहीं शिक्षा मित्र अनुदेश को भी लिया जाए, तो सरकार तुरंत कोर्ट चली जाती है और कोर्ट में 8-8 मुकदमे। मैं आपको बता दूं, 13-288, 13-286, 13-951, 31-304, एक मुकदमा हम आपको गिनाए। आखिर क्यों सरकार गई कोर्ट में, जब ईपीएफ कमिश्नर ने कहा नहीं शिक्षा मित्र एलिजिबल। ये सर मैं आपको बताऊं, ये जो रिकवरी हुई है, ये रिकवरी करोड़ों रुपए की। मैं आपको बता दूं, कानपुर में 8,53,00,000, ललितपुर में 7,21,00,000, महोबा में 4,48,00,000, कानपुर देहात में 7,77,00,000। फिर कौशिक जी की बात सुनिए सुरेंद्र सर, ठीक है, माइक खोल लीजिए सर, माइक म्यूट है आपका। मैं ये पूछ रहा था अपनी जानकारी के लिए कि अगर इनका ईपीएफ कटना नहीं शुरू हुआ तो किस अमाउंट की रिकवरी और कैसे हो गई। एक सर, ये कह रहे हैं चार्जेस लगाए हैं। जी जी जी, ये ईपीएफ ने चार्जेस लगाए हैं स्टेट गवर्नमेंट पर, सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर चार्जेस लगाए हैं कि आपने इनका इनका अमाउंट क्यों नहीं जमा किया। ये उसकी रिकवरी कर रहे हैं, हमारे अमाउंट की भी और उनकी अमाउंट की भी, ये चार्ज है। तो ये पूरा पैसा रिकवरी हुआ है और कहीं कहीं 7A की कार्रवाई भी चल रही है। ये वो पैसा है जो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ईपीएफ अपना काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। सुकुमार जी, मैं बताना चाहूंगा कि ईपीएफ के जो नियम है उनमें, जैसे हम जानते हैं, राज्य सरकार हो, जो नियोक्ता है इनकी राज्य सरकार, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना शेयर और कर्मचारी का शेयर दोनों मिला के सरकार के ईपीएफ खाते या पीएफ खाते में जमा करे। तो नियोक्ता की जिम्मेदारी होती है कि टीडीएस काट के जमा करे। लेकिन यदि नियोक्ता चूक करता है तो जो उसका शेयर बनता था, कर्मचारियों के पीएफ पे, वो शेयर जो है उतना अमाउंट गणना करके जमा किया जाता है। तो चूंकि सरकार का आदेश था या ईपीएफ वालों का आदेश था कि इन कर्मचारियों के वेतन से पीएफ का इनका फंड काटे और उतनी ही राशि, या अलग अलग रेशियो में कई जगह रहता है, जैसे 12% में 8% कई जगह पे कर्मचारियों का रहता है और 4.33 अन्य का रहता है, तो जो भी शेयर है वो राशि जो है जमा करे। चूंकि इन्होंने नहीं जमा किए, बड़ी चूक है जो त्रिभुवन जी कह रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि नियोक्ता के रूप में जो भी अधिकारी है अपनी चमड़ी बचा रहे हैं, क्योंकि अब ये डॉक्यूमेंटल प्रूफ है शिवकुमार जी इनके पास कि आपके पास आप यह है कि काटा जाना था। अब उस पर ईपीएफ डिपार्टमेंट ने ठप्पा लगा दिया कि नहीं काटा उन्होंने, इसलिए उन्हें राज्य शासन को उसका शेयर ले लिया है, समझ गए। उतनी ही राशि अगर इनके काट लिए रहते तो मेरा मानना है कि इनका पीएफ, इनको पेंशन और इनको जो जो बीमा का लाभ है दोनों मिलता। अब ये कोर्ट में जरूर जा सकते हैं अभी भी कि हमारा, हमने कभी अपना योगदान देने से इनकार नहीं किया, नियोक्ता की चूक है जो उसने हमारा नहीं काटा। तो जो राशि ऑलरेडी जमा है उसके आधार पर हमें बीमा और पेंशन कम से कम दिलाया जाए, ये एक सेपरेट कोर्ट में केस लगा सकते हैं, उसके लिए इलिजिबल है ये। दूसरा, ये दंडित करने के लिए भी लगा सकते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो शिवकुमार जी ये हो गया कि इनको लाभ जो मिलना चाहिए था बीमा का और पेंशन का, उसके लिए। दूसरा, जिसने नहीं, नियोक्ता ने जिसने नहीं काटा और उससे जो इनका नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी ये कोर्ट में जा सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल आपने सारी बातें बिल्कुल खोल दी उस पर्थ की तरह। कौशिक सर जी, निश्चित तौर से ये बड़ी चूक तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकार की तरफ से इतनी चूक, लोग कोर्ट गए
और कोर्ट जाने के बावजूद भी सरकार ने नहीं सुना, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन जहां जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आपने जो कुछ पॉइंट्स मैंने मांगे थे वो आपने दिए नहीं, तो मैं अध्ययन नहीं कर पाया, दो तीन डिबेट और थी तो मुझे समय नहीं मिल पाया इनके मुद्दे पर। लेकिन जितना मैं अभी सबको सुन के समझ पाया कि सरकार भी जैसे सरकार को जमा करना होगा कोर्ट के निर्देश पर, तो इनको भी जमा करना होगा, और जब इनको जमा करना होगा तो पैसे कहां से आएंगे? तो जो 7,000 में जो घर नहीं चला पाया, अब आप मान भी लीजिए कि 840 रुपए प्रति माह इनका कटेगा भी, तो लगभग एक साल में 10,000 के आसपास हो गया। और एक साल में 10,000 का यदि इकट्ठा 2-3 साल का 4 साल का करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास 40,000-50,000 रुपए इकट्ठा होगा ईपीएफ जमा करने के लिए। तो बड़ी समस्या इनके सामने भी खड़ी होगी कि जो अपना घर परिवार चला पा रहे हैं, पहले तो चला ही नहीं पा रहे हैं, और उसमें से भी ऐसी स्थिति हो धीरे धीरे करके कटता तो कम से कम एडजस्टमेंट कर लेते हैं ये लोग। कभी कभी हम लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, और जब कोर्ट ने ये कहा कि जो जो समझ रहा हूँ जो कौशिक सर कह रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस हो रहा है कौशिक जी, ये है इसमें कि अब नियोक्ता को जमा करना पड़ेगा, अब इन्हें नहीं करना पड़ेगा, नियोक्ता ने दोनों सरकार दोनों मैं थोड़ा सा कौशिक जी स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि नियोक्ता अंशदान कटौती करने से चूक करता है और अपना कंट्रीब्यूशन भी जमा करने से चूक करता है, उन दशाओं में पहली बात जो कर्मचारी है उससे संचयी प्रभाव से उसका अंशदान नहीं काट सकती कि इतने साल से इतने तक का नहीं दिया है अब हम वसूल करेंगे, तो कर्मचारियों से वो नहीं ले सकते संचयी प्रभाव से। हाँ, सरकार को जरूर ईपीएफ कर सकती है कि चूक आपकी है दोनों करिए, या सरकार के लिए क्या दंड का प्रावधान रखेगी वो पीएफ रखेगी, ये समझे। 2021-22 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया है, वो ऑर्डर में ये था कि वहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि इनका ईपीएफ काटा जाए, वहां ईपीएफ काटा नहीं गया कर्मचारी का, तो जो पूर्व का पैसा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो विभाग जमा करेगा, वो सरकार जमा करेगी, डिपार्टमेंट जमा करेगा, ये गलती हो पाएगी नहीं है। डॉक्टर साहब डॉक्टर एक किसी हिसाब से पूछ लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा बता देंगे उनके पास रोज। डॉक्टर सिंह साहब, तो ये ईपीएफ का बवाल है, ईपीएफ का बवाल हो गया इनका गरीब लोगों के लिए, अगर इन्होंने सरकार ने इनसे नहीं काटा है तो क्या सरकार को जमा करना पड़ेगा या अभी इनसे वसूल किया जाएगा? सिंह साहब नहीं, कायदा तो ये है कि इनसे तो आवाज आ रही मेरी जी, आवाज आ रही मेरी, देखो धीरे धीरे आवाज आएगी। आपके जो पैनलिस्ट हैं इस ईपीएफ मामले में बड़े धुरंधर हैं, बड़े आक्रामक हैं, बड़े जोशीले हैं, बड़े गर्वीले हैं, और इनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, और इनके देखो इन्हें टोपी उतार देनी चाहिए, इन्हें पसीना आ गया होगा, इतनी जबरदस्त इन्होंने आर्गूमेंट बहस और अपनी दलीलें दी हैं। अब हम लोग और कौशिक जी तो भाई देखो नॉर्मल वाले आदमी हैं, एज ढल चुकी है, बुझते हुए चिराग हैं अपनी मजार के, तो ये बात देखे हैं। लेकिन जो बात दोनों टेक्निकल अगर मैं बात कहूँ तो जो ईपीएफ काटने का तरीका होता है उसमें इनसे काटा जाना चाहिए जिससे इनका भविष्य सिक्योर होता, सुरक्षित होता है, सुरक्षा है, वो भविष्य की सुरक्षा है, वर्तमान नहीं है, वो भविष्य है, भविष्य निधि, भविष्य की बात आप करते हैं तो ठीक है। और सरकार कई मामलों में कुछ राज्यों के ऐसे भी हैं जिसमें फिर सरकार से सरकार को देना पड़ा उनका जब मांगा गया, तो कई मामलों में सरकार ने उनसे काटा। ये ऐसी चीजें हैं जो डिगलट हैं, कभी इधर कभी उधर, जैसा जहां जो बन जाती बात वो बन जाती, कोई इसका डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है कि क्या यही होगा या वही होगा। जैसे 302 में खूब आई विटनेस होते हैं, कई केस आपने बरी देखे हैं 302 में, कई आपने सजा देखी, कई को फांसी लगते देखी है, और कई में बरी देखे हैं। तो बस माननीय अदालत का निर्णय तो ये है, उन्होंने अपने पास इनहेरेंट पावर जो है ना, इनहेरेंट पावर वो जज के पास होती है, वकीलों का काम है अपने दलील देना, तथ्य देना। लेकिन जैसा मैं सुन रहा था अभी डिबेट, डॉक्यूमेंट मजबूत हैं, कागज मजबूत हैं, सबूत अच्छे हैं, तथ्य अच्छे हैं, और अच्छी तरह रखे जाएं तो सरकार को इस पर करना चाहिए, सरकार को निश्चित तौर पर अपने
एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये बनाया किस लिए गया, ये लेबर लॉ से बना, वहां से बन के आया, जिससे हमारा मजदूर, जिससे हमारा एम्प्लॉई, जिससे हमारा नियोक्ता के बीच बड़े अच्छे संबंध बने रहे, उनको भविष्य निधि, भविष्य के बारे में उनके परिवार की कोई घटना हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, जीवन और मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ कहीं किसी के साथ हो सकता है, तो उसकी सुनिश्चितता बनी रहे, वो की निश्चितता बनी रहे, इसलिए ऐसा किया गया है भाई। एक उस तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फिर सेमी गवर्नमेंट है, फिर दूसरे तरह के हैं, फिर प्राइवेट हैं, फिर प्राइवेट लिमिटेड हैं, फिर लिमिटेड नहीं है, केवल प्राइवेट हैं। तो ये बड़ा प्रोसेस है हमारे देश में, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो ऐसे में विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता का नारा चलता है, तो उस आधार पर ये है। निश्चित तौर पर सरकार को भी जो जिन्होंने तथ्य पेश किए, जैसा मैं सुन रहा था, उस आधार पर सरकार को ये करना चाहिए और अपने श्रम कानूनों को मजबूती से लागू क्यों नहीं किया गया, सवाल या निशान बनता है। अगर हाई कोर्ट में मैटर है या सुप्रीम कोर्ट में आता है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है, वेदर, ये सबसे बड़ी बात आती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ यही डिसाइड होगा कि वेदर ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्या वहां कर रहे थे जो कार्यालय बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो बैठे हैं उन्होंने क्या किया, उस पर क्यों नहीं किया गया, क्या पैसे ले लेकर चीजें सेट होती रही, कई फैक्ट्रियों में ऐसा हो जाता है, कई जगह एम्प्लॉयमेंट में ऐसा हो जाता है जो नहीं हो पाता है, वो उस पर निश्चित तौर पर ये बातें होंगी। और माननीय अदालत तो डिपेंड करता है, जहां जैसे जिसका जो हुआ फायदा भी हो जाता है कई बार, फिर उसकी अपील है, अपील एप्लीकेशन, अपील, अपील पे दलील, दलील पे अपील, या प्रोसेस चलता। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है, सरकार से भी, माननीय अदालत के सामने भी रहता है मेरा, कि कम से कम एक मेहनत कश मजदूर, फिल्मों में ही दिलीप कुमार की फिल्म में न जाए, हम मेहनत कश मजदूरों से हम सारी दुनिया मांगेंगे, ये जो एक फिल्मों में गाना है बड़ा देख के गर्व महसूस होता है, मेहनत कश मजदूर है, एक खेत नहीं एक बाग नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या एक इंच भी जगह देंगे, बाग नहीं एक खेत नहीं सारी दुनिया में से एक इंच जगह, एक छोटी सी मांग है एपीएफ की, अगर वो देंगे, दे सकते हैं, उनके माननीय मंत्री जी दे सकते हैं, दरिया दिली दिखा सकते हैं, तो भविष्य के लिए अच्छी बात है, इनके परिवार के लिए अच्छी बात है। वो तो परिवार क्या, जब बेटियों की शादी में पैसा यूज होता है, किसी की बीमारी दुख तकलीफ में पैसा यूज होता है, मकान बनवाने में यूज होता है, कहीं किसी की अपनी भांजी भतीजी, किसी का मामा है, बाप जी बहनोई नहीं है, किसी का भाई नहीं है, तो इस तरह के इन परिवार के बहुत बड़े धन्ना सेठों के पैसे नहीं है साहब, ये उद्योगपतियों के पैसे नहीं है, ये अडानी अंबानी रिलायंस के पैसे नहीं है, उनके पैसे तो चुपचाप माफ हो जाते हैं, हजारों हजार करोड़। ये आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यही सरकारें, कोई सरकारें हो, मैं किसी पार्टी की सरकार की बात नहीं करता, चाहे भाजपा की बात हो, चाहे सपा की बात हो, चाहे कांग्रेस की सपा कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार हो, चाहे उड़ीसा की सरकार हो, चाहे ईमानदार से ईमानदार सरकारें हो, उद्योगपतियों के कर्ज के पैसे अपने जनता के पैसों के तलवार पर उनके पैसे माफ कर दिए जाते हैं, और गरीबों के हित की बात कोई नहीं करता, उनके कर्जे माफ किए जाते हैं बड़ी मात्रा में, उनके बड़ी मात्रा में कर्जे माफ किए जाते हैं, और गरीबों की बुग्गी भैंस हैरो कल्टीवेटर उठा के क्रूक कर दिया जाता है, और नहीं मिलता तो उस किसान को भी बंद कर दिया जाता है। तो ये चीजें हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, ऑल पॉलिटिकल। बिल्कुल आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि किसान और गरीब आदमी का तो हैरो भी उठा लेंगे, घर से सब सामान भी उठा लेंगे, मकान भी कुरक कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन बड़े आदमी के लिए कोई कानून, कोई संविधान, कोई कुछ नहीं है, उसका लोन माफ कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी जनता को भी नहीं दी जाती, जानकारी कुछ खोजी लोग निकाल के लाके जनता को बताते हैं, फला का 17,000 करोड़ माफ हो गया, फला का 12,000 करोड़ माफ हो गया, फला का 8,000 करोड़ माफ हो गया। अश्विनी मिश्रा जी, ईपीएफ और एक बार मिश्रा जी और कहूं, और उस पर विपक्ष की जिम्मेदारी जिनको दी गई है सदन में,
सदन में जो नेता विपक्ष और विरोधी दल नेता बोले जाते हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, वहां भी वो नेता विधायक विरोध के उन घोटाले के जो पैसे जो माफ किए गए, ऋणों के जो ऋण के पैसे माफ किए गए, उनके बारे में सरकार को नहीं घेरते हैं, नहीं आंदोलन करते हैं, नहीं धरना करते हैं, नहीं बीच में जाते हैं, बेल में नहीं जाते हैं वहां पर बोलने, चुपचाप वो भी सहमत दे देते हैं। ठीक है, वो विपक्ष की भूमिका, वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते, वो भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते जो उनकी जिम्मेदारी है उससे बचते हैं। अश्विनी मिश्रा जी, ईपीएफ बहुत जरूरी था, ईपीएफ कटा होता तो ये 2 लाख लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। अश्विनी मिश्रा, आवाज नहीं आ रही अश्विनी जी, आवाज नहीं आ रही अश्विनी, आदरणीय मिश्रा जी, हेलो जी, आ रही है, बोलिए, जल्दी बोलिए। तो मैं भी एक कंपनी चलाता हूं, मैं समझ सकता हूं ईपीएफ की इम्पोर्टेंस कितनी होती है। मेरा सिर्फ जो है, मेरा एक संदेह, मतलब बोलूं क्या बोलूं, अप्रिहेंशन है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ईपीएफ जो कटता है वो आधा हिस्सा एम्प्लॉय देता है और आधा हिस्सा एम्प्लॉयर देता है, बट दोनों ही हिस्से जो है एम्प्लॉय के सीटीसी में काउंट होते हैं, कॉस्ट टू कंपनी। जब भी हम प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं तो जो कॉस्ट टू कंपनी होती है उसमें दोनों हिस्से काउंट होते हैं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर इनका जो करंट वेतन है, करंट मानदेय है, वो अगर सीटीसी में सीटीसी बेस्ड है, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि वो शायद उसमें जो ईपीएफ के दोनों हिस्से होंगे वो दोनों इनसे कटेंगे, एक से कटेंगे, मुझे उस पर क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है वो भी एक विषय है इस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि सीटीसी जो होता है उसमें दोनों हिस्से इंक्लूडेड होते हैं। तो इनका जो मानदेय है उसको सीटीसी बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ में, वो जरूर इनको देखना पड़ेगा। ये एक टेक्निकल चीज है। रही बात एथिकल चीज की, रही बात सरकार की उसकी भावना की, तो मुझे लगता है कि इनका भविष्य निधि तो छोड़ो, इनकी जो वर्तमान निधि खराब करके रखी हुई है, जिसकी वर्तमान निधि खराब हो उसकी भविष्य निधि तो डेफिनेटली खराब हो ही रखी होगी। सरकार को पहले चाहिए इनकी जो वर्तमान निधि है उस पे भी काम करें, भविष्य निधि पे तो अगर इनका वर्तमान अच्छा कर देंगे भविष्य शायद खुद ही अपना अच्छा बना लेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, आज बिल्कुल आपने सटीक बात की है कि जिसका तो वर्तमान ही खराब हो वो भविष्य के लिए क्या लड़ेगा, पहले वर्तमान तो सुधर जाता है फिर भविष्य की चिंता है। लेकिन इस भविष्य के दौरान जो 5-7 हजार लोगों की मौत के मुंह में चले गए उनके लिए तो बहुत जरूरी था। मैं सीधा इस मुद्दे पर पुरन सर के पास पहुंचूंगा, क्योंकि वो भी ईपीएफ के अधिकारी हैं, ईपीएफ की उस योजना में शामिल हैं, तो उन्हें और विस्तृत जानकारी है। सुरेंद्र सर, बात में ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ नियोक्ता राज्य सरकार है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकार के थ्रू हुआ है तब तो राज्य सरकार और कर्मचारी के बीच में एक ईपीएफ का एग्रीमेंट होगा, तो उसको ईपीएफ नहीं कहेंगे, वो फिर जीपीएफ में आता है, ठीक है, या अब वो ईपीएस योजना हो गई है उसकी जगह जी। और अगर इनकी आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति हुई है तो जो कंपनी आउटसोर्सिंग कर रही होगी वो नियोक्ता मानी जाएगी। सर, मैं अनुदेशक और शिक्षा मित्र, ये सब डायरेक्ट सरकार से नियुक्ता है, सरकार ने एक जीओ लागू किया उसके तहत भर्ती है, तो इनकी नियुक्ता सरकारी है। हाँ, तब तब फिर इनका जो ईपीएफ नहीं जीपीएफ होगा, जितना मैं इसका कानून जानता हूँ। ईपीएफ नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका होता है। अब चूंकि अश्विनी मिश्रा जी और त्रिपाठी ये लोग कंपनी चलाते हैं, उनको ज्यादा क्लियरिफाई करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जीपीएफ होगा जो सरकार जिसमें इम्प्लायर होगी, और जो नॉन सरकार वाले होते वो इम्प्लायर। थोड़ा सा दुरुस्त कर दें, जो लोग सरकार के भी कर्मचारी होते हैं और जो वेतन मान के तहत जिनकी भर्ती होती है उनका जीपीएफ कटता है, और जो लोग संविदा के रूप में होता है जिनका वेतन मान न्यूनतम वेतन मान होता है उनका ईपीएफ में ही काउंट किए जाते हैं। तो चलिए ईपीएफ में हो गया, और अभी तो ईपीएफ में पेंशन बढ़ाने की भी आजकल स्ट्रगल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, और इन विचारों को तो पिछले ही मतलब पीएफ ही नहीं लागू हो पाया, तो मुझे लगता है इन लोगों को अलग से बैठ करके डॉक्टर एपी सिंह जी से बात करके पूरे कागज दिखाएं, ये दिखाएं,
फिर कोई लाइन ऑफ एक्शन, अब ये कह रहे कि इतना करोड़ रुपए जब्त भी किया गया, इसका मतलब जो ईपीएफ कमिश्नर था उसने एक्ट किया, और इसमें तो प्रोविजन इतने स्ट्रांग है कि लोगों के अरेस्ट वारंट हो जाते हैं। सर हुए हैं, जारी हुए हैं, जारी हुए हैं। पुरंदर आज आज सिर्फ डिबेट फेसबुक पर लाइव हो रही है, यूट्यूब ब्लॉक है 7 दिन के लिए, तो ज्यादा खतरनाक मत कीजिए, 7 दिन के लिए ब्लॉक है, 7 दिन तक यूट्यूब नहीं चलेगा। मिश्रा जी ये भी ब्लॉक होने वाला है आपका, फेसबुक भी अकाउंट, ये भी कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी 22 फरवरी खुलेगा, 22 तक ब्लॉक है, वेबसाइट पे लाइव करेंगे, ऐसी क्या टेंशन है, जब कहीं नहीं चलेगा तो वेबसाइट पे लाइव करेंगे, वेबसाइट तो है, वेबसाइट अश्विनी मिश्रा बैठे हैं, वेबसाइट पे लाइव होगा, कितना रोकोगे? आदरणीय मिश्रा जी अभी आपने देखा कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक के लिए एक मेडिकल की स्कीम लाई गई जिसका मिनिमम इंश्योरेंस 10,000 से 12,000 रुपए था मिनिमम। अब आप समझिए कि इसी में एक तरफ ईपीएफ भी है और एक तरफ ईएसआईसी भी है। राजाराम त्रिपाठी जी को भी सुन ले, उसके बाद फिर मैं आऊंगा, एक एक बार तो सबको मौका हो जाए। डॉक्टर त्रिपाठी जी आवाज रोकने के लिए फिर तैयारियां होती हैं, लेकिन आवाज जब किसी की बुलंद होती है तो रुकती नहीं है, वो कहीं ना कहीं से निकलती है और चलता रहेगा। 7 दिन में 2 दिन गुजार दिए हैं, 2 दिन सैटरडे संडे में चले जाएंगे, 3 दिन में हम फेसबुक लाइव करके फिर मौका पे मैदान में होंगे और आवाज न्याय मिलेगा। ये भीड़ तय करे अनुदेशक और शिक्षा मित्र की कितनी कितनी परेशानियां, कितनी कितनी कुर्बानियों के बाद न्याय मिलता है। कुर्बानी किसी को नहीं देनी होती है, यहाँ बैठे सभी लोग दे सकते हैं, पता नहीं है किसके खिलाफ क्या हो जाए, तो सब लोग मर रहे हैं, न्याय के लिए सबको लड़ना पड़ता है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, मिश्रा जी का यूट्यूब जो बंद हो गया वो मेरी वजह से हो गया क्या? मैंने जो सरकार की आलोचना कर दी, क्या मैं जिम्मेदार हूँ उसका? मैं तो आरोप, आप बैठे हुए आरोप, आरोप किसी को नहीं है, मैं सभी टीम के लिए स्वागत कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन से सरकार की आलोचना कर रहा हूँ खुल के, और मेरे ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि मैं दूसरी पार्टी काम कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार आलोचना मिल नहीं पा रही क्या? कौशिक जी मैं जवाब देता हूं, आप खातिर जमा रखो, पूरा वीडियो अब तक के डिबेट का उठा के देख लीजिए, मेरे सारे डिबेट देख लीजिए, ये सेहरा मेरे सिर बनता है। मैं शिव कुमार जी की हिम्मत की दाद दूंगा जो इसके बावजूद मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैं अमूमन सच बोलता हूं और सच कड़वा होता है, मैं आप सब जानते हैं। अब रहा सवाल भाई शिव कुमार जी, ये अगर यूट्यूब बंद किए हैं तो हमारी बहस को भी सुन रहे होंगे, तो ये सुन ले कि आज तो संचार के कितने ही साधन हैं। अश्विनी जी तो आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, कई तरीके बताएंगे, कई सारे तरीके हैं जिससे हम जुड़ पा सकते हैं, ये कितने रोकेंगे? जब कोई साधन नहीं था शिव कुमार जी, जब क्रांति थी तो रोटी एक गांव से दूसरे गांव चल के जाती थी और पूरे देश में मैसेज पहुंच गया था। हमारे बस्तर में क्रांति हुई थी तो आम के पेड़ की टहनी एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाती थी और संदेश पहुंच जाता था। जब कोई साधन नहीं था तब पहुंच गया, तो हमारी आपकी जुबानें क्या बंद कर पाएंगे? विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मेरा मानना है यूट्यूब बंद करना, फेसबुक बंद करना, इन तरीकों से सच को नहीं दबाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, इन बिचारे अनुदेश को शिक्षा मित्रों के साथ जो हो रहा है ना, इस पे ये भाई राम जी को मानने वाली पार्टी है, राम जी को मानने वाले हम भी हैं, तो राम की भाषा में इनसे हम बात करें तो जो नारद ने समझाया था वही मैं समझाऊंगा कि प्रभु आप जो कर रहे हो ये समर्थ को नहीं दोष गोसाई वाली बात है, केवल ये है क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो इसलिए आप इन सबसे आपके प्रशासन के सबसे निचले तक के जो लोग बैठे हुए हैं, जो सबसे ज्यादा घिसते हैं, जैसे गाड़ी में सबसे ज्यादा घिसाई टायर की होती है, लेकिन एक भी टायर पंचर हो जाता है सुकुमार जी तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो ये जो ग्राम प्रहरी है, अनुदेशक है, जो शिक्षा मित्र हैं, ये वो लोग हैं जो प्रशासन की अंतिम इकाई के छोर पे खड़े हुए हैं। तो इनके साथ जो ईपीएफ नहीं काटा है, मैं बार बार बता रहा हूं कि ईपीएफ के बारे में जो अपना सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 आया है उसमें प्रावधान ये है कि जितनी राशि काटने से चूक हुई उसका 10 गुना कंपनियों से वसूल किया जाता है, 10 गुना, और 3 साल तक जेल का भी प्रावधान है इसमें, समझ गए? अगर सही तरीके से लड़ाई लड़ेंगे तो ये बहाल भी होंगे, इनका भविष्य
बिल्कुल भविष्य निधि को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहें तो आपकी वर्तमान निधि भी मिलेगी और संचयी प्रभाव से मिलेगी, आपको एरियर्स भी मिलेगा। नहीं बिल्कुल लड़ेंगे सर, छोड़ेंगे नहीं जी, मिलेगा आपको, ये आपका हक है। मैंने पहले भी कहा आपका हक है, ज्यादा समय तक इसे कोई नहीं रोक सकता, मैं कोई गाल नहीं बजा रहा हूं। 1.5 साल में आपका मामला आईने की तरह हमारे सामने साफ है, कानून की थोड़ी बहुत समझ भी हमें है और यूनियंस की लड़ाइयां भी थोड़ी बहुत देखी हैं। मैं शिव कुमार जी, आप इस लड़ाई को जारी रखिए, आपका यूट्यूब भी देखिए, एक हफ्ता बाद खुल जाएगा, फेसबुक भी खुलेगा, क्योंकि हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है, हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है, सरकार जितना दबाएगी ये मसला उतना ऊपर जाएगा। आज फेसबुक भी बंद कर लीजिए, कर दे, देख लीजिए स्पेशल कवरेज न्यूज के शेयर अडानी के बराबर, जिस तरह अडानी नीचे जा रहे हैं वैसे स्पेशल कवरेज न्यूज ऊपर जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपका आभार, आप हिम्मत और हौसला देते हो, आप जैसे जो साथी हैं हमारे आइकॉन है, वही आदरणीय राजाराम जी, आदरणीय सुरेंद्र सर, आदरणीय कौशिक जी, और इसी में हौसले में हम आगे बढ़ते रहते हैं। कौशिक जी ने दोपहर फोन करके पूछा भी क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अरे हमने कहा सब हुआ शाम को, फिर फेसबुक पे सही, यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक पे तो लाइव है ही, और आप सबके आशीर्वाद से ट्विटर वेरीफाई भी हो गया है, तो ट्विटर की डिबेट थोड़ी बंद कर लो, वेरीफाई नहीं रुकता किसी से, वेरीफाई तो चलेगा, तो बहुत कुछ है, कहते हैं कि बहुत है अभी हमारी थैली में सामान। त्रिपाठी जी कुछ डॉक्टर, कह रहे हैं फिर मैं डॉक्टर, हाँ डॉक्टर कौशिक जी के बारे में कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आपने हमेशा तौल के बात की है, आप भले आप सरकार की आलोचना करते हैं तो हमेशा तथ्यों पे आपने की है, आपने मतलब अपना अपना व्यू नहीं रखा है, मेरा मानना है जनरली वही चीज को रखा है जो फैक्ट कहते हैं और अनुमान पे बात नहीं की, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी बात किसी को गलत लगेगी। मैं इतने दिनों से आपकी डिबेट्स देख रहा हूं तो आप खातिर जमा रखिए, आप बिल्कुल सही बोलते हैं और मैं तो यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल बेझिझक बोलते रहें, अच्छे लगते हैं आप बोलते हुए जी। अश्विनी मिश्रा कुछ कह रहे हैं फिर मैं त्रिभुवन जी की बात सुनूं फिर आगे बढ़ूंगा जी, मैंने तो इसलिए जिक्र ही नहीं किया बिल्कुल जी। पहले तो मैं अपने सभी मित्रों को कह दूं कि ये डिबेट तो कभी नहीं रुक सकती है, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी के साधन है हमारे पास कि कहीं ना कहीं तो ये हमारा सूरज दिखेगा ही, तुम कब तक छुपाओगे इसकी रोशनी को, तो वो वाली बात है। रही बात इनके टेक्निकल पॉइंट की, मैं बार बार कहता हूँ, मैं एक्चुअली कंपनी चलाता हूँ, मुझे पता है कि अगर इनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आता है इसका मतलब ये कॉस्ट टू कंपनी का कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट टू कंपनी में दोनों ही ईपीएफ के कॉम्पोनेंट कॉस्ट टू कंपनी में जुड़े होते हैं, तो अगर इनका जो करंट मानदेय है 7,000 या 9,000 जो है उसमें अगर वो कॉस्ट टू कंपनी है तो दोनों ईपीएफ के हिस्से जो है अगर कटेंगे तो इनके इसी सैलरी से कटेंगे, ये नियम है कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी का। अगर वो मानदेय सीटीसी नहीं है, अगर वो मानदेय जिनको मिलता है वो इनहैंड सैलरी है, वो कैसे कॉम्पोनेंट उनकी सैलरी कैसे बनाई गई है, क्योंकि ये जीपीएफ में नहीं आते तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो जो ईपीएफ में आते हैं तो इनका इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है उसके हिसाब से फैसला होगा कि इनके साथ ईपीएफ में इनका ईपीएफ कैसे कटना चाहिए कैसे नहीं कटना चाहिए, हालांकि ईपीएफ देना जरूरी है जी। आदरणीय अश्विनी भी, अश्विनी जी, ईपीएफ को लेकर के कमिश्नर साहब ने आदेश कर दिया, उसके बाद जब मुकदमा हुआ तो लखनऊ ईपीएफओ को ये जिम्मेदारी दी गई कमिश्नर साहब को, उन्होंने भी आदेश कर दिया। सवाल यह है कि सरकार इस एक्ट को नहीं मान रही है, योगी जी की सरकार मोदी जी के कानून को नहीं मान रही, सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि योगी जी की सरकार मोदी जी के कानून को नहीं मान रही है, आखिर बड़ा कौन है, योगी जी की मोदी जी, और मोदी जी के कानून को नहीं मान रही, सबसे बड़ी विफलता ये है। जब सरकार स्वयं कोर्ट में जा रही है, सरकार कोर्ट में क्यों जा रही है, उनके अधिकारी कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, जब मोदी जी का कानून है, इसके मतलब योगी जी की सरकार मोदी जी के कानून को नहीं मानती है, सच्चाई ये है, और अगर मानती होती तो ये स्कीम लागू हो गई होती, आखिर क्यों नहीं मान रही है। उसके बाद देखिए जो शेयर था बीमा का, हमारे इंश्योरेंस का, मेडिकल का, वो भी इसी के पैरेलल चलती है, जिसको बोलते कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये दिल्ली से पत्र मुझे मिला, दिल्ली के पत्र में ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष की शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के शिक्षा मित्रों के संबंध में व्याप्त सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान की जाती है। आखिर ये दिल्ली से डायरेक्टर ने अनुमति क्यों प्रदान करी, ईएसआईसी जो सरकार कह रही है कि हम शिक्षा मित्र अनुदेशक को बीमा देंगे और 12,000 रुपए लेंगे, यहां पर मैं आपको बता दूं मिश्रा जी आपके चैनल के माध्यम से कि 0.75% मानदेय का काटा जाएगा,
मेडिकल की सुविधा के लिए, और आज हर घर के हर घर में कोई ना कोई बीमार है, शिक्षा मित्र से कोई भी हो, तो हमें यहाँ पे 500 लाख रुपए का फायदा है मेडिकल से, और कितना कटेगा, मात्र 75 रुपए, और सरकार लेकर आई वो इंश्योरेंस पॉलिसी 12,000 रुपए। हम तो ये चाह रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए 12,000 वाली, हम इसमें 50 लाख का इलाज कराएंगे, इसमें 3.25% सरकार देगी हिस्सेदारी, और 0.75% कर्मचारी देगा, मतलब हम लोग देंगे। ये 2019 से प्रावधान लागू हो गए, इसके पहले 1.75% था, 175 रुपए था, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम करके 75 रुपए कर दिया। अब ये देखिए, ये डायरेक्टर ने पत्र लिखा है विजय किरण आनंद जी को, विजय किरण आनंद को, और ये पत्र मुझे भी आया है। इसमें इसमें इन्होंने कहा है कि साथ ही यह भी सूचित करना है कि इस कार्यालय के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा 1/6/2020 को राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय विद्या भवन लखनऊ का दौरा किया गया। दौरे के दौरान संपर्क किए गए व्यक्ति को निगम की सामाजिक सुरक्षा हितलाभ योजना के बारे में सूचित करते हुए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की व्याप्ति हेतु अनुरोध किया गया। परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा शिक्षा मित्रों के संबंध में आश्वस्त किया गया कि मामला विचाराधीन है तथा मामले में अंतिम निर्णय शीघ्र ही आपको सूचित किया जाएगा, किंतु राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की व्याप्ति के संबंध में लिए गए किसी निर्णय से अवगत नहीं कराया गया। तत्पश्चात पुनः ईएसआईसी ने, मतलब मेडिकल विभाग ने, उसने तत्पश्चात कार्यालय के दिनांक 16/6/2020 द्वारा पुनः राज्य परियोजना निदेशक से उत्तर प्रदेश के गजट दिनांक 23/5/2013 का गजट है सर, 23/5/2013 का गजट है, ये स्वयं कबूल रहे हैं के आलोक में शिक्षा मित्रों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत व्याप्त में लेने की कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया, किंतु राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा 7/7/2020 द्वारा शिक्षा मित्र अनुदेशकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्ति का विरोध किया गया, परियोजना के द्वारा विरोध किया गया। बताइए आखिर क्या है कि मोदी जी के कानून को योगी जी के अधिकारी नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे बताइए, किससे कहें? ये पत्र है मेरे पास साफ साफ, दिल्ली का पत्र। त्रिवंत सिंह कानपुर रहते हैं सर, कानपुर। इनको कहिएगा, इनको बुलाइए, संसद सत्र शुरू होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि ये संसद में सवाल उठे। बिल्कुल सर, मामला बहुत गंभीर है, मैं समझ गया सारी चीजें सर। 8,000 लोग मर चुके हैं, किसी को भी 1 रुपए का इलाज मुहैया नहीं हुआ, आप समझिए सर हम क्यों मांग रहे हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत, मैं आपकी बात सारी समझ गया और मैं गंभीरता पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि आप अपनी फाइल भेजिए मुझे, टाइम हो तो एक बार आप, मैं आपको बुलाऊंगा यहाँ पे। और ये संसद सत्र स्टार्ट हो रहा है फरवरी में और बहुत दिन नहीं बचे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि किसी विपक्ष के राजनीतिक दल के सांसद के माध्यम से ये भारत सरकार से ही पूछा जाए कि आप ही के दिशा निर्देश, आप ही के कानूनों का कुछ सरकार है उल्लंघन क्यों कर रही है, और ये सारी चीज मुझे बना के दीजिए, और जो सवाल आपके हों क्रमबद्ध तरीके से वो लिख दीजिए, मैं 100% प्रयास करूंगा कि इसी संसद सत्र में आपका मुद्दा उठे। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम सिंह, चूंकि समय और चला जा रहा है, त्रिभुवन ने बात बहुत ठीक रखी कि आखिर जब 75 रुपया में ईएसआई का लाभ मिल सकता था, स्वास्थ्य लाभ योजना का लाभ मिल सकता था, तो फिर 12,000 और 10,000 की चर्चा क्यों? समस्या ये है सर, इस विभाग के अधिकारी, ये जब सतीश द्विवेदी जी मंत्री थे तो उन्होंने इस पे बात की थी, इन्होंने आदेश भी दिया था, लेकिन समस्या क्या है कि जब अनुदेशक और शिक्षा मित्र की हित की बात आती है तो वहां से आदेश तो चलता है, लेकिन नीचे आते आते वो क्रियान्वित नहीं हो पाती है। इसी विभाग में कस्तूरबा के लोगों का, कस्तूरबा में भी अंशकालिक अनुदेशक है, उनका ईपीएफ कट रहा है। अभी अश्वनी सर जो कह रहे थे कि सीटीसी, तो जो कस्तूरबा के अंशकालिक अनुदेशक है उनके वेतन से, उनके मानदेय से 12% और 12% सरकार देती है, वहां तो 24% पैसा सोनी सर जमा हो रहा है, वहां कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ आ जाती है तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के साथ समस्या आ जाती है सरकार। एक मिनट सर, मजे की बात देखिए कि सरकार कोर्ट में ये कहती है कि चूंकि शिक्षा मित्र 11 महीने का मानदेय पाते हैं इसलिए इनको ईपीएफ का लाभ नहीं दिया जा सकता है,
इसलिए कौशिक जी, और जो कस्तूरबा में लोग काम कर रहे हैं वो 11 महीना 29 दिन का काम करते हैं। समझिए कि तुम 11 महीना 29 दिन वाले को ये ईपीएफ काट रहे हो और ये ईएसआईसी की सुविधा दे रहे हो, और यहाँ कह रहे हो काउंटर लगा रहे हो कि आप 11 महीने के में आप काम करते हो 11 महीने का, तो 12 महीने का तो वो भी काम नहीं करते भाई। बोलिए विक्रम जी, बोलिए। तो वही बात कह रहा हूँ, एक ही विभाग में तरह तरह के नियम इस विभाग में लागू होता है, और ये सारी विडंबनाएं शिक्षा विभाग में ही है, बेसिक शिक्षा विभाग में। ऊपर से आदेश है विजय किरणानंद जी, पूरा बेसिक शिक्षा विभाग यही चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के बड़े खास है, मुख्यमंत्री जी को जहां जरूरत होती है इनको ले जाते हैं। जब गोरखपुर में चुनाव होता है, चुनाव जिताने की बात आती है तो गोरखपुर लेके चले जाते हैं, और फिर जब बेसिक शिक्षा विभाग में फिर उनको वापस लेके चले जाते हैं। तो कहने की बात है, ऊपर से तो आदेश आता है, दो बार इन्होंने स्वयं आदेश दिया, इनसे कई बार वार्ता होती है, तो समझ में नहीं आता है। जब हम लोग के पक्ष में कोई फैसला देना होता है तो ये लोग करते क्या है, ये तो हम लोग समझ ही नहीं पाते सर। वही हमारे विपक्ष में कोई फैसला आएगा तो रातों रात लागू हो जाएगा, बैक टेक में लागू हो जाएगा। अनुदेशक शिक्षा मित्रों को 1 जुलाई से विद्यालय जाते थे पहले, 16 जून से विद्यालय ले जाना हुआ तो बैक डेट में 15 जून का आदेश 16 जून को आ गया। अब आप बताइए, वहां पे बैक डेट में आदेश आ गया, रातों रात आदेश आ गए, रातों रात टाइप हो गए, रातों रात साइन हो गए, लेकिन जब हमारे पक्ष में देना होता है, आज लगभग 2 महीना बीत गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को लेकर सरकार का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। कुछ तो सूत्रों सुनने में तो आज कुछ और भी बातें आ रही है, अब समझ में नहीं आता है कि सरकार करना क्या चाह रही है। अरे हम नालायक है, हम काबिल नहीं है तो हमको निकाल बाहर करो ना, क्यों रखे हो हमको, हमको निकाल बाहर करो, हम जाके कोई और जॉब करेंगे। लेकिन निकालोगे भी नहीं, एक दिन अनुदेशक 16 जून को विद्यालय नहीं गया, पूरा बेसिक शिक्षा विभाग हिल गया, और रातों रात इनको आदेश लाना पड़ा कि अनुदेशक अब 1 जुलाई से स्कूल नहीं जाएंगे, अनुदेशक 16 जून से जाएंगे। तो हम इतने उस समय हम काबिल हो जाते हैं, जब कम दाम दे के हमको पढ़ाने के लिए कहोगे तो हम काबिल हो जाते हैं, जब ज्यादा पैसा मांगेंगे तो हम नालायक हो जाते हैं। बात बिल्कुल जायज है कि जब आपको जरूरत है तो हम कामगार हैं, और ना जब आप वेतन की बात आती है तो हम आपके लिए किसी काम के नहीं है। मैं लगातार कल भी कई बार मेरे पास शिकायत आती है, आज एक व्यक्ति ने मुझसे बड़े अहम फोन पर बात की, मैं उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया है, मैंने कुछ नहीं बोला, उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि सर ये 9,000 रुपया मिलेंगे, ये तो क्या पेट्रोल 500 रुपया बिकेगी। हमने क्यों, पहले 2,000 रुपया किसानों को दिए गए तो 100 रुपया हो गई पेट्रोल, तो इस बार 9,000 रुपया दिए जाएंगे तो क्या पेट्रोल और डीजल 500 रुपया बिकेंगे। हमने कहा क्यों, कि ये क्या अपने मामा के घर से पैसे लाएंगे, यही टैक्स लगाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, लोगों से वसूलेंगे, सामने पैसा बांटेंगे। तो मैंने कहा फिर ये मोदी जी कहते थे राहुल गांधी के अपने मामा के घर से लाए थे, तो मैं सवाल करता हूँ, मेरा सवाल आप वायरल करिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी है, मैं बाकायदा उसे कल हो सकता है कि मैं भी उसे पब्लिश कराऊं। ये सब चीजें जनता के लोग कह रहे हैं, कह किस से रहे जो सुन रहा है, लेकिन यहाँ तो सुन रहे हैं कि भागेश्वर धाम का नया वीडियो आया जिसमें उन्होंने कुश्ती में एक को फिर उठा के जमीन में पटक दिया, इस पर चर्चा हो रही है। आप मिश्रा जी, सवाल केवल सीधा सा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1952 और 1948 का जो एक्ट है, जो कानून है, जो बनाया गया कानून है, उसकी उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, हमें नहीं मतलब राजनीति से, हमको नहीं करनी राजनीति, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं दे रही है लाभ। बिल्कुल मिलेगा, दिलाया जाएगा। अब चर्चा आज एक बहुत बड़ी खबर थी, इस देश के सबसे बड़े उद्योग सीधा 1 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर, 3 नंबर से 7 नंबर, मुझे लग रहा है कि देर रात तक कहीं 10वें नंबर से भी क्रॉस न कर जाए, नीचे चले जाए। कोई मीडिया में चर्चा नहीं है, इकोनॉमी की कोई चर्चा नहीं है, वित्त मंत्री हलवा बना चुकी हैं, लेकिन हलवा की भी चर्चा नहीं है इस बार, कि उन्होंने हलवा अच्छा बनाया, कि हलवा मुस्कुरा के बनाया, कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो उन मुद्दों की है। तब तक आज स्वामी प्रसाद मौर्या पे फिर नहीं रुका गया, उन्होंने फिर एक ट्वीट कर दिया है, कल का मुद्दा फिर दे दिया उन्होंने। आज उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण, ये धर्माचार्य, साधु संत सिस्टम को बदलना चाहते हैं, पता नहीं कौन सा सिस्टम है। पिछली साल 21 मई को उन्होंने परशुराम जी की जयंती पर शुभकामनाएं दी थी, अब इस बार क्या हुआ मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या होता है
राजनीतिक लोग दल के साथ अपने दिल बदलते हैं। परसों तक साष्टांग पड़े रहना मायावती के चरणों में, बाकायदा वीडियो फोटो पड़े होंगे, सोशल मीडिया पर तलाशोगे, वो आदि भगवान राम की शरण में जाने को तैयार नहीं है। कल चर्चा हो रही थी कि शायद समाजवादी पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, तो आज उन्होंने फिर एक जंप मारी है कि एक और जंप मारते हैं, शायद ये कामयाब हो जाए। यहां नेता अभिनेता कोई भी नहीं। तीन चीज पर चर्चा है इस देश में, पठान फिल्म, बागेश्वर धाम, मोदी जी का जनता के प्रति रुझान। कोई चौथी खबर हो तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट में बताएं, मुझे पर्सनल बताएं, ट्वीट में बताएं। अगर अरे है सर, पाकिस्तान में भुखमरी बढ़ गई, पाकिस्तान में अनाज महंगा हो गया, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया। मैं सहमत हूं, लेकिन भारत की बेरोजगारी पर, भारत की गरीबी पर अगर किसी चैनल पर कोई खबर चलती हो तो मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। भारत में कुछ नहीं हो रहा है, सब चंगा। समझ में नहीं आ रही है मेरी। मिश्रा जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, आदरणीय त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं, कि हंगर इंडेक्स में भारत बहुत नीचे है, पाकिस्तान बहुत ऊपर है, और 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है इस देश में पिछले 2-2.5 साल से। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हंगर इंडेक्स में ऐसा क्या है, कौन लोग बैठे हुए हैं, सही है या गलत है? डॉक्टर त्रिपाठी जी, डॉक्टर त्रिपाठी जी, असल में हंगर इंडेक्स की अगर बात हम कर रहे हैं तो इनके जो आंकड़े लिए जाते हैं, जिस वर्ग के लिए जाते हैं, हमारी जनसंख्या में वो वर्ग बहुत बड़ा है, पहली बात। दूसरा, जो भोजन में जो कैलोरी का जो आकलन किया जाता है उसके आधार पे भी तय होता है। तो हमारे यहाँ जो गरीब लोगों का जो भोजन है उसमें कैलोरी बहुत ही कम है, और जो नॉनवेज खाने वाले जो जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी है, तो कैलोरी वाइज उनका भोजन हमसे रिच है, ये भी एक कारण है। तो इस कारण से हम हंगर इंडेक्स में आते हैं। और हमारे देश में अगर बात करें तो WTO में जहाँ हमने दस्तखत किया है, उसने बीच में भारत को नोटिस दिया था कि आप लोग बहुत ज्यादा सब्सिडी किसानों को दे रहे हो, तो वहां हमने बताया कि हमारा देश बड़ा में भुखमरी बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार खरीदती है अनाज और सब्सिडी दे के उगवा रही है, इस बार के लिए माफ करें। उसे कहता है, कहते हैं पीस प्रोविजन, मतलब बचने के लिए, जैसे हम जमानत करवाते हैं वैसी हमें जमानत करवानी पड़ी पीस प्रोविजन के तहत। तो ये वास्तविक हालात हैं। और मैं अगले बार के लिए, क्योंकि टाइम काफी हो गया, मैं चाहूंगा सुकुमार जी एक बहस इस पे कराएं, बड़ा गंभीर मसला है कि जो किसानों को सम्मान निधि बड़े जोर जोर शोर से चालू की गई थी, 2,000 रुपया साल में 3 बार, वो लगभग 13 करोड़ लोगों को दी गई, हर 4 महीने में दी जाती है, और 12वीं किस्त आते आते वो 13 करोड़ में से केवल 3 करोड़ बचे हैं, बाकी सबको खारिज कर दिया गया। किसी का आधार सही नहीं है, किसी का नाम सही नहीं है, किसी की जमीन सही नहीं, किसी का खाता सही नहीं करती। जरा बताइए, मतलब हालात ये हैं साहब कि बांग्लादेश में एक भी नहीं है किसान जिसको दिया जाए, पूरे के पूरे गायब कर दिए। मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां इतनी बड़ी संख्या में किसान है, 99% किसानों को उस लिस्ट से निकाल दिया गया, किसान सम्मान निधि से। मैं पूरे आंकड़ों के साथ बात करूंगा, मैं चाहूंगा इससे बात करें। 2000 और बढ़ाया था तो वहां तो 4000 मिलना चाहिए, वो दुगना किया था उन्होंने, डबल किया था। वही तो मैं बता रहा हूं प्रभु, कि 13 करोड़ को देते थे, 13 में से 10 करोड़ को बंद कर दिए, केवल 3 करोड़ को दे रहे हैं, 10 करोड़ की बंद हो गई सम्मान निधि। और जहां तक मुझे जानकारी है कि पहली किस्त जो गई थी वो 19 करोड़ किसानों के लिए गई थी। नहीं, 19 करोड़ को नहीं गई थी, 16 करोड़ किसानों की बात हुई थी, 13.11 ऐसा कुछ है। और एक बढ़िया बात बताऊं, छत्तीसगढ़ में मेरे पास आंकड़े हैं कि कुछ किसानों को जिनके आधार सही नहीं थे या जमीन सही नहीं थी, उनको किस्त मिल गई, अब उसको वसूली के आदेश आ गए हैं, और गवर्नमेंट में तहसीलदार को RCC जारी हो गई है कुर्की करने के लिए, घर पे तहसीलदार की टीम जा रही किसान के यहाँ कि 2,000 रुपया जो आप लिए थे तत्काल वापस जमा करो। चलिए जल्दी, मेरा बिल्कुल आपने ठीक कहा। अंतिम कमेंट डॉक्टर सुनील कौशिक का, फिर आगे बढ़े, समय हो रहा है। जी कौशिक सर। नहीं, निश्चित तौर से जिस मुद्दे पर चर्चा आज हुई बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन मैं एक और बैठे बैठे सोच रहा था कि इन्होंने जैसे कहा कि 12 महीने का नहीं है, 11 महीने वाला जो है 1 महीने का जो निकाला जा रहा है,
ऐसे ही कुछ टेक्निकल पॉइंट्स कुछ हो तो सरकार के साथ बैठ के संवाद किया जा सकता है कि आप 7.5 लोगों की बात कर रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये दूर हो रहे हैं, सुविधाओं से दूर हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी बातें नहीं है, इन छोटी छोटी बातों पर गंभीरता से मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं। हो सकता है ब्यूरोक्रेसी के लोग उनको बाई बाई लूटने के लिए गुमराह करते हो कि साहब देखो हमने जैसे 15 दिन की सैलरी को काटने का कोई मतलब नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, योजनाएं जब बनती है तो योजना बनते समय कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी जाती है जिससे कि वो सुविधाओं से वंचित हो जाए। सबसे छोटा तरीका है कि आप छोड़ दीजिए, 7,000 या 9,000 रुपए दे रहे हो, आयुष्मान कार्ड तो सबका ही बन जाना चाहिए, कम से कम हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड जारी हो जाना चाहिए। लगता है मुझे आयुष्मान कार्ड भी जारी नहीं हो रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि बहुत सारे जैसे ये त्रिभुवन सिंह समझ रहे होंगे, विक्रम सिंह साहब समझ रहे होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाए जहां लग रहा है कि ये यहां आकर के मामला अड़ जाता है, ऐसी चीजें हैं यहां आकर के समाधान नहीं हो पा रहा है। तो कोर्ट में तो सुनवाई होगी तब देखी जाएगी, लेकिन ये मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो तो एक स्वस्थ पर चर्चा कर ली जाए। एक तरफ शिक्षा मंत्री बैठ जाए, एक तरफ इनके लोग बैठ जाए, एक तरफ ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठ जाए और उन मुद्दों पर चर्चा स्वस्थ हो सकती है कि ऐसे मुद्दे यानी इनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो निश्चित तौर से समाधान निकल सकता है। समाधान निकालने के लिए बहुत रास्ते होते हैं और समाधान निकालना चाहिए। ईपीएफ का लाभ इन लोगों को मिलना चाहिए, बाकी सब लाभ इन्हें नहीं मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप 7.5 लाख लोगों को 9,000 रुपया देना चाहते हो तो क्यों नहीं उसमें 1.5-2 लाख लोगों को और जोड़ देते हो, 9,000 रुपया 10,000 इनका भी जोड़ के 20,000 वेतन क्रॉस कर दीजिए, बाद में फिर इनसे बात कर लीजिए बिठा के। ये स्वस्थ परंपरा आप अपनाइए। इस देश के ये 2 लाख शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ग्राम प्रहरी और ये बिजली संविदा कर्मी लगभग 3.5-3 लाख लोग हैं। आपके 10 लाख लोग आपके जय जयकार करेंगे, सबके परिवार खुशहाल होंगे, सारा उत्तर प्रदेश खुशहाली की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो मेरी तो सरकार से अपील और अनुरोध यही है कि इनको भी उसी योजना में सम्मिलित कर लीजिए। सभी बीएससी, बीएड, बीटेक सब कुछ है इसमें। तो इसी के साथ कल फिर यानी सोमवार को हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। आप सब लोग यूट्यूब पर जरूर जाते रहिए ताकि यूट्यूब बचा रहे और 7 दिन बाद वो हमें सुरक्षित वापस मिल जाए, क्योंकि ये सब आवाज उठाना और ये सब ठीक नहीं है। मैं फिर उन यूट्यूब वालों से भी यही अपील करता हूं कि मैं तो आवाज उठाता रहूंगा, आप कितना रोकोगे ये आप जानो। मुझे वो कागज भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं कि किसके कहने से रोका है, मुझे कुछ बता भी नहीं रहे हैं। मुझे ये बता रहे हैं कि मेरे पास एक सरकार के राष्ट्रीय चैनल से कुछ मेल आया है तो मैंने उसका जवाब भी दिया। लेकिन चलिए आप सब लोग साथ दीजिए, आगे फिर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, चिंता मत करिए। जी 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 जल्दी। आदरणीय कौशिक जी, जब मैंने इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया तो हमारे ऊपर विभाग से दबाव बनाया गया कि इनको सस्पेंड करा दिया जाए। ये बेवजह सरकार को परेशान कर रहे हैं, खाते सीज करवा रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। अब आप बताइए कि इतना दबाव मेरे ऊपर बनाया गया सस्पेंड कराने के लिए, बीएसए से कहा गया। आदरणीय तो सिंह साहब होता है राजनीति में, मैं डरा नहीं, मैं नहीं डरा, मैं आज भी नहीं डरा। हम सब लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। आदरणीय कौशिक सर का, आदरणीय सुरेंद्र सर का, आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय अश्विनी जी और त्रिभुवन सिंह और विक्रम सिंह सबका बहुत बहुत आभार। फिर हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपकी शुभकामनाओं के साथ। आप साथ दीजिए, नमस्कार।